गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस लेक्चर के अंदर हिंदी में जो लेसन नंबर 15 है राजू, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ओपन करके रखिए, तो जिसकी वजह से मैं आपको समझाऊँ या रीड करूँ तो आपको समझ में आए। हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कई लोग जो है अपरिचित लोग हैं, परंतु अपनत्व भरे यानी कि अपनेपन से उनके साथ हमारे इतने घाट जो संबंध होते हैं वो बन जाते हैं। यहाँ पर वही बात, ये दाज्यू यानी कि दाज्यू शब्द जो है उसका मतलब पहले तो मैं बता देता हूं। तो दाज्यू तो उसका मतलब होता है बड़े भाई, बराबर। यहां पर जो लेसन दिया गया है वो लेसन जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि दो अपरिचित व्यक्ति है, यानी कि दो एक दूसरे को नहीं जानते ऐसे अपरिचित व्यक्ति जब मिल जाते हैं और उनमें से जब एक दूसरे के साथ बातचीत करने पर अपनेपन की जो पहचान होती है, जो अपनेपन का जो अलग एक संबंध बन जाता है, उसके बारे में यहाँ पर ये लेसन दिया गया है। तो सभी बच्चे सभी स्टूडेंट को ये टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया जो लेसन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो एक जो लेखक है शेखर जोशी, यानी कि हम देख सकते हैं कि लेखक वहां पर यानी कि वो उनके मित्र जो है जगदीश बाबू के बारे में दिया गया है। तो जगदीश बाबू जब अपने घर से दूर, वो लेखक है उसके बारे में लिखने के लिए वो बाहर गए हुए हैं, वहां पर उन्हें 9-10 साल के मदन नाम के जो बॉय है उसके साथ मुलाकात, एक कैफे के अंदर मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद एक दूसरे का जो संबंध बन जाता है, परिचित अपरिचित होकर भी परिचित होने का जो एहसास होता है ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जगदीश बाबू एक दिन बच्चे के साथ यानी कि मदन जो है उनको दाजू कह के बुलाता था, तो बड़े भाई कह के बुलाता था, उनको पसंद नहीं आता। एक दिन वो अपने प्रेस्टीज यानी कि जगदीश बाबू ऐसा कहते हैं कि तू एक काफे का बॉय है, प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा, यानी कि तू एक काफे का बॉय है, तू मुझे बड़े भाई यानी कि दाजू लगा रखा है, यानी कि दाजू कहकर बुलाता है, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। पहले अपरिचित थे, दोनों के साथ परिचित होने का एक एहसास हुआ, अपनेपन का एहसास हुआ। उसके बाद मदन को एक दिन जगदीश बाबू द्वारा यानी कि जगदीश बाबू जो है वो मदन को गुस्से क्रोध से उसके साथ बात करते हैं और बोलते हैं, चिल्ला कर कहते हैं कि हर रोज तू मैं जब आता हूं तो तू जो दाजू कहके बुलाता है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि तू तेरी और मेरी यानी कि तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है, तू मेरी प्रेस्टीज यानी कि जो मेरी इज्जत है मेरी प्रतिष्ठा है उसका ख्याल नहीं रखता, उसकी वजह से लोग यानी कि कुछ लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, इसलिए वो मदन को ऐसे कहकर अपने परिचित होने से और अपरिचित होने से तिरस्कार जो है वो एक दूसरे को उनके संबंध को जो है वो क्या करता है अपरिचित कर देता है। यहाँ पर हमें ये पाठ के अंदर ये लेसन के अंदर हमें यही दिया गया है कि जब कोई अपनेपन से अपने अपरिचित होने पर भी अपने को परिचित बताता है, बाद में वही आदमी यानी कि वही व्यक्ति वही इंसान जब अपने परिचित होने से अपने साथ संबंध रखने से और उसके बाद वो संबंध तोड़ देता है, तब हमें कैसी ग्लानि होती है, ये पाठ यानी कि दाजू के अंदर हमें दी गई है। अब मैं स्टोरी जो है वो रीड करूंगा, आप सभी को बुक के अंदर देखना है। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्ति को भी निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचित को भी अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी में बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच
अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है, जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वह जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वही दाजु कहानी में केंद्र बिंदु है। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर पहले अपनत्व यानी कि अपनेपन से एक दूसरे के साथ संबंध बन जाता है, बाद में वही व्यक्ति जब हमारे साथ तिरस्कार से बात करता है और अपने प्रेस्टीज यानी कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो संबंध तोड़ देता है, तब कैसा एहसास होता है, यही इस कहानी का यानी कि जो हमें दी गया लेसन है उसके अंदर यही बात बताई गई है। शुरुआत जो है वो हम देखते हैं कि 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता था। बॉय यानी कि हम देख सकते हैं कि कैफे के अंदर जो बॉय नाम के लड़के होते हैं उसको हम यहाँ पर वेटर भी बोल सकते हैं, यानी कि वहां पर काम करने वाला बॉय शब्द यूज करते हैं। वो वहां पर बॉय का काम करता था। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कॉफी में जाते थे। वे उसे पहाड़ी लड़के से प्रभावित हो गए। वहां पर वो जाते थे तब वो ये पहाड़ी लड़के को देखकर यानी कि मदन को देखकर वो प्रभावित हो जाते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है, यानी कि एक दूसरे के साथ अपने जैसा ही कोई दिखता है तो हमें अपनेपन का एहसास होता है। उसी वजह से मदन और जो जगदीश बाबू है वो आसपास के पड़ोस के गांव के हैं, उसी वजह से वो एक दूसरे को देखकर यानी कि मदन जगदीश बाबू को देखकर मुस्कुराता है यानी कि हंसता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब, लड़के के ये दो शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया। यानी कि वहां पर वो जब बैठते हैं तब वो बॉय यानी कि मदन जो है वो जाकर पूछता है, चाय साहब, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे परिचित होने के यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जब हम घूमने के लिए गए हो और वहां पर वो अपनी भाषा से यानी कि हमारी भाषा जो है वही भाषा का यूज वो करता है, तो हमें पता चल जाता है कि यह हमारे जैसा यानी कि हमारे मुल्क का यानी कि हमारी आसपास का ही बंदा लगता है। वही सुनकर जगदीश बाबू को लगा कि कहीं ना कहीं ये दो शब्द सुनकर उन्हें लगा कि ये जो लड़का है यानी कि मदन जो है वो उनके गांव के आसपास का ही लगता है। लड़के से बातचीत होती है। वह अपना नाम मदन बताता है, यानी कि यहाँ पर जो बॉय था उसका नाम क्या था, मदन। मदन और जगदीश बाबू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मदन और जगदीश बाबू के ऊपर ही ये पूरी कहानी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जब जगदीश बाबू ने पूछा तो मदन जो बॉय है वो अपना नाम मदन बताता है। वह अपने गांव का नाम अल्मोड़ा यानी कि अल्मोड़ा जो पर्वतीय विस्तार है वो पहाड़ी प्रदेश है वहां का रहने वाला था। तो अल्मोड़ा जो है अल्मोड़ा की जो पहाड़ी प्रदेश है अल्मोड़ा की जो पहाड़ी है वहां पर ये मदन उसका गांव जो है वो बताता है, यानी कि जगदीश बाबू ये सुनकर खुश हो जाते हैं। लड़का ये जानकर बहुत खुश होता है कि जब उसे मालूम पड़ा कि वे जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव के हैं, यानी कि जब एक दूसरे के साथ बातचीत होती है तो जगदीश बाबू मदन को अपना नाम पूछते हैं तो वो मदन नाम बताता है। जगदीश बाबू उसको पूछते हैं कि तू कहाँ, तेरा घाव कौन सा है, कहाँ से आया हुआ है, तब वो बताता है कि मैं अल्मोड़ा की पहाड़ी गांव से आया हुआ हूँ, वहाँ जो क्षेत्र है अल्मोड़ा की पहाड़ी क्षेत्र है वहां से आया हूँ। तब जगदीश बाबू भी बताते हैं कि मैं भी वही पहाड़ी से हूँ। वो अपने गांव का नाम बताते हैं तब मदन को पता चलता है कि ये मेरे पड़ोस के गांव के ही है। तब उसको लगता है
कि ये मेरे परिचित है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपना बड़ा भाई मिल गया हो। वह उन्हें राजू कहकर यानी कि बड़ा भाई कहकर संबोधन करने लगता है, यानी कि बाद में वो जगदीश बाबू जो है उनको सर साहब कुछ नहीं कहता, पर वो उसे क्या कहता है, राजू, यानी कि बड़े भाई का संबोधन जो है वो बड़े भाई का संबोधन करता है। दो चार दिन में दोनों का अपनेपन, अजब सी अपनेपन की बिल्कुल दूर हो जाती है। जगदीश बाबू जब भी कैफे में आते हैं, मदन उसे राजू कहकर संबोधन करता था। राजू, कल आपने बहुत ही कम खाया। दोनों में इस तरह की अपनेपन से भरी बातें होती थी, यानी कि जब वो आते थे कैफे के अंदर आते हैं जगदीश बाबू, तो राजू या जो मदन है वो अपना सारा काम, जो भी काम हो वो साइड में रख देता, बाजू में रख देता था, और जगदीश बाबू की जो जगदीश बाबू आते थे तो जगदीश बाबू के साथ ही बात करते और अपने मन की जो बातें हैं वो कहने लगता था कि राजू कल आपने बहुत कम खाया था, क्यों, कोई प्रॉब्लम है, ये बताते। एक दूसरे के साथ अपने मन की जो बातें हैं वो अपने मन की बातें करते रहते थे। मदन से हुई परिचय ने जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया था, परंतु वो उसे उसके द्वारा कहे जाने वाले बार बार राजू संबोधन को पसंद नहीं करते थे। हम कई बार देखते हैं कि कई हम उसे संबोधन से बुलाते हैं, हम कई व्यक्तियों को अपनेपन की बात से, अपनेपन से, वो अपने अंदाज से जो है वो बुलाते हैं, परंतु कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको उनकी प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा की वजह से वो समझ नहीं पाते कि वो एक छोटा सा बॉय है, एक काम करने वाला लड़का, एक कैफे के अंदर काम करने वाला लड़का है, वैसा सोचकर, ये सब सोचकर जगदीश बाबू को ये दाजू शब्द यानी कि जो मदन दाजू कहता था वो उनको जरा भी पसंद नहीं था। प्रेस्टीज की प्रतिष्ठा पर आधारित एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन ने आया दाजू, यानी कि मदन जो है वो जब जगदीश बाबू उसको बुलाते हैं तो वो कहता है आया दाजू, यानी कि भाई, बड़े भाई मैं आ रहा हूँ। ये शब्द सुनते ही क्रोधित हो उठे, यानी कि जगदीश बाबू ये शब्द दाजू जो है वो शब्द सुनकर अब वो क्या हो गए, क्रोधित, यानी कि उनके मन के अंदर, जगदीश बाबू के मन के अंदर वो तिरस्कार आने लगा कि ये दाजू यानी कि ये बड़ा भाई क्या लगा रखा है। उसकी वजह से वो क्रोधित हो जाते हैं। मदन ने पूछा, दाजू चाय लाऊं, यानी कि जब मदन उनके पास जाके पूछता है कि दाजू मैं चाय लाऊं, तब जगदीश बाबू क्रोध से बोल उठते हैं कि जगदीश बाबू चाय नहीं, लेकिन ये दाजू क्या चिल्लाते रहते हो, यानी कि मुझे चाय भाई कुछ नहीं चाहिए, पर तू ये हर रोज जब मैं आता हूँ तब ये दाजू कहकर तू मुझे चिल्लाता है, मुझे बुलाता है, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए तू ये दाजू क्या लगा रखा है, यानी कि तू ये बड़े भाई कहकर जो मुझे बुलाता है वो मुझे पसंद नहीं है। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी तुम्हें नहीं है, यानी कि जब राजू यानी कि मदन जो है उसको जगदीश बाबू कहते हैं कि किसी की प्रेस्टीज यानी कि किसी की प्रतिष्ठा का भी तुझे ख्याल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो जगदीश बाबू है वो उससे उसकी प्रेस्टीज यानी कि इज्जत जो है वो इज्जत प्रतिष्ठा जो है उसके बारे में बताता है, परंतु जगदीश बाबू के ये प्रेस्टीज शब्द का अर्थ, प्रेस्टीज शब्द का मतलब जो है वो मदन को समझ में नहीं आता। फिर भी वो समझ जाता है कि जगदीश बाबू मुझे क्या कहना चाहते हैं, वो प्रेस्टीज शब्द का मतलब मदन को पता नहीं चलता, क्योंकि वो 9-10 साल का बच्चा है और उसे वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसकी वजह से प्रेस्टीज शब्द का मतलब उसे मालूम नहीं है, परंतु जो जगदीश बाबू है उसका चेहरा और उनके बोलने का जो तरीका था
वो देखकर मदन समझ जाता है कि जो भी मैं कर रहा हूं उसकी वजह से जगदीश बाबू को ये पसंद नहीं है। उसके बाद मदन जो करता है वो देखिए कि जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तिलमिला उठता है। मदन जो है प्रेस्टीज शब्द का अर्थ नहीं समझता, बिना ही कुछ समझे वो वहां से चला जाता है। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह घंटों सिसकियां भरकर रोता रहता है। सिसकियां यानी कि जो एकदम शिथिल बनकर हम देख सकते हैं कि हम जब भी रोते हैं तो शुरुआती हम रोते हैं तो हमारी सिसकी निकल जाती है, आवाज आ जाती है, जो रोने की आवाज आती है वैसे ही। तो मैनेजर से जब जगदीश बाबू ने उसको डांटा तब वो मैनेजर के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे सिर दर्द यानी कि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। इसलिए वो छुट्टी लेकर अपने कमरे में जाकर घंटों तक सिसकिया यानी कि रोता रहता है। रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा जो है वो शांत हो जाती है। तो हम भी देख सकते हैं कि कई बार हम भी मन से बहुत ही भर जाते हैं तब रो लेते हैं तो हमारा मन जो है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। वही मदन ने किया, वो घंटों तक रोता रहता है कि मैंने ऐसा तो क्या कर दिया, जगदीश बाबू के साथ मैंने उनकी प्रतिष्ठा यानी कि प्रेस्टीज का क्या मतलब भी उसे मालूम नहीं था। फिर भी वो समझ जाता है कि जगदीश बाबू को मैं दाजू कह के बुलाता हूँ, उनको पसंद नहीं। उसके बाद वो रोकर स्वस्थ हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो उन्होंने मेरे साथ परिचित अपनेपन की जो बात की थी, अपनेपन से जो उन्होंने उनके साथ संबंध रख दिए थे वो अब नहीं रहे। वो व्यथा से शांत हो जाता है। उसने कुछ निश्चय किया और फिर अपने काम पे लग गया, यानी कि उसने फिर निश्चय कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिचित व्यक्ति हो, पर उसके साथ हमें जो मैं काम कर रहा हूँ, बॉय का काम कर रहा हूँ, वहां पर किसी को मैं अपने परिचित यानी कि अपना परिचय नहीं दूंगा। वो ऐसा अपने मन से ठान लेता है। उसके बाद दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू आते हैं। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर जो है हेमंत जो है वो जगदीश बाबू का क्या था, फ्रेंड था, बचपन का फ्रेंड है। वो उनसे मिलने आता है और वो दोनों दूसरे दिन यहाँ पर यानी कि जो काफे है उसके अंदर आते हैं। हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफे में चाय पीने गए। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी त्वरितता यानी कि तुरंतता पर्याप्त जो है वो नहीं दिखाई। यानी कि मदन जब जगदीश बाबू आते थे तो वो सारा काम, उसका दूसरा कोई भी काम हो तो उसको साइड में रख देता था और जगदीश बाबू के पास चला जाता था, परंतु अब ये नहीं करता। दूसरे दिन जगदीश बाबू आते हैं, उसे बुलाते हैं, फिर भी वो अपने काम से यानी कि दूसरे टेबल पे जो चाय है वगैरह देने के लिए चला जाता है, पर जगदीश बाबू के टेबल के ऊपर नहीं जाता, उनके पास नहीं आया। उनके दोबारा बुलाने पर वह पर ही आया, यानी कि जब जगदीश बाबू ने उसे दोबारा फिर से बुलाया कि मदन, तब वो उनके पास जाता है। आज उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और न उसे दाजुक क्या लाओ वो कहने का मतलब था। यानी कि यहाँ पर जब जगदीश बाबू ने कल उसे डांटा, उसके साथ तिरस्कार से जो क्रोध से बात की है उसकी वजह से चिल्ला कर बात की है, उसकी वजह से मन जो मदन था उसका मन भर आया था, उसकी वजह से दूसरे दिन जगदीश बाबू अपने मित्र हेमंत के साथ वहां पर आते हैं, परंतु जो पहले जैसा इंटरेस्ट था वैसा मदन नहीं लेता। पहली एक बार बुलाते हैं फिर भी मदन नहीं गया, उसको दोबारा बुलाया तब मदन जाता है और वो ऐसा भी नहीं पूछता कि मैं क्या लाऊं दाजू यानी कि बड़े भाई मैं क्या लाऊं, ऐसा भी उन्हें नहीं पूछता। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रह गया।
यानी कि जब हेमंत को भी ऐसा लगा कि ये जो मदन जो है वो उनके गांव के आसपास का लगता है, परंतु मदन वो अपना नाम नहीं बताता। हेमंत उसको बहुत बार पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तब वो अपना परिचय कैफे में उसे सब लोग क्या कहते हैं, बॉय कहते हैं, वो बॉय का नाम बताता है। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। यानी कि जब मदन को देखकर जगदीश बाबू को ऐसा लगता है कि अभी मैं कुछ बोला तो ये मदन जो है वो ज्वालामुखी सा, यानी कि वो अभी ही रो देगा, या तो वो अभी ही मेरे ऊपर जो अपने पन से मैं बात कर रहा था, अब वो भी मेरे ऊपर गुस्सा होकर कुछ बोलेगा। परंतु जो मदन है वो ऐसा नहीं करता। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते हैं साहब मुझे, कहकर मदन मुड़कर चला गया। और बाद में वो क्या करता है, वो हेमंत जो है उनका जवाब देकर वहां से तुरंत ही चला जाता है, वहां पर एक सेकंड भी रुकता नहीं है। वो जगदीश हेमंत साहब जो आया है वो बोलते हैं तेरा नाम क्या है, तो वो बोलता है कि यहाँ पर मुझे सभी लोग क्या कह के, तो मुझे लोग यहाँ पर बॉय कह के बुलाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मदन है वो अपने जगदीश बाबू के साथ जो संबंध हुए थे, जगदीश बाबू के साथ अपने पन की जो संबंध बना हुआ था, वो एक ही तिरस्कार से परिचित जो लोग थे उन्हें अपरिचित बना देती है। यह शॉर्ट में जो टुंकी यानी कि जो शॉर्ट में दी गई कहानी है, वो कहानी के अंदर हमें समझ में आता है कि कई बार अपनेपन से परिचित लोग बन जाते हैं और कई बार वही परिचित लोग जो है उसके साथ तिरस्कार यानी कि गुस्से से हमें कोई चिल्ला कर बात कर लेते हैं तो जो संबंध होता है वो टूट भी जाता है। यहाँ पर हमें शेखर जोशी ने ये बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर हम लेंगे उसके अंदर जो लेसन नंबर 16 है, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, तो हर एक स्टूडेंट ये पार्ट रीड करके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट जो है वो खत्म होता है। हम जो पहले लिखते थे वो लिखना काम यानी कि जो स्वाध्याय कार्य है अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना। एक बार फिर से, मैं कई बच्चों को मालूम नहीं है कि हमारा सिलेबस जो है तो हिंदी के सिलेबस में कितने चैप्टर कट हुए हैं, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आप अपनी जो किताब है टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कट देना। तो लेसन नंबर पहले तो ए, यहाँ पर मैं ओनली फॉर नंबर ही लिखूंगा, लेसन नंबर 8, उसके बाद 13, 14, 17, 18, 23 और 24। तो गुजरात और जो है उसने जो सिलेबस कर किया है उसके अंदर लेसन नंबर 8, 13, 14, 17, 18, 23 और 24, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल 7 चैप्टर जो है वो गुजरात गवर्नमेंट बोर्ड ने कट कर दिए हैं। तो हम भी देख सकते हैं, हमने इसी वजह से जो दिवाली के बाद ये पहला लेक्चर है तो उसके अंदर हमने 15 से शुरू किया, क्योंकि हमने 12 तक तो चलाया था, बराबर जो फर्स्ट
सेम था, उसके अंदर हमें 12 नेशन तक चलाना था, तो हमने वो 12 तो चलाए थे, उसके अंदर हमने जो 8 वाला था वो भी नेशन चला दिया था, पर अब सेकंड में हम देख सकते हैं कि हमने ये 13 और 14 जो है वो नहीं चलाया, डायरेक्ट कौन सा चलाया 15, यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो चैप्टर अब कट हो गए, तो ये 17 वाला, 18 वाला, 23 और 24, ये सारे चैप्टर अब हम नहीं चलाने वाले। उसके बाद में जो बचे हुए चैप्टर है तो हम देख सकते हैं कि 15, 16, 19, 20, 21 और 22, ये चैप्टर ही हम चलाएंगे। इसी वजह से आपको जब भी टाइम मिलता है तो ये बाकी के जो पांच बचे हुए चैप्टर है वो घर पर रीड कर देना, बराबर। ओके, थैंक यू वेरी मच।